अस्सलाम वालेकुम फिर। सो गाइस, आज आपके लिए एक नहायत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि जी नेशनल सेविंग के जब पैसे चेक किए जाते हैं तो अच्छी खासी कटौती होती है उस वक्त भी, तो आज वो कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा मैं। तो यहाँ पर पहले मैं पिन इंटर कर लेता हूँ और उसके बाद जी यहाँ पर आप सेविंग या करंट जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करता हूँ, तो अभी आप मेरा बैलेंस चेक कीजिए कि मेरा इस वक्त बैलेंस कितना है। तो अभी 2121 रुपये बैलेंस है। ओके करता हूँ, अब पिन वापस आ चुका है। दोबारा इंटर करता हूँ यहाँ पे मैं, ये मेरा कार्ड इंटर हो चुका है दोबारा, और अब देखते हैं कि अभी हमारा बैलेंस कितना शो होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कितने पैसे कटे हैं, ये आप अंदाज़ा लगाइएगा कि कटिंग बिल्कुल ना होने के बराबर ही है। दोबारा मैं पिन इंटर करता हूँ, करंट, उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी, 2121 रुपये थे ये याद रखिएगा। आप देख लीजिए 2118 रुपये, तकरीबन 2 रुपये और तकरीबन 78 पैसे के आसपास कटिंग हुई है। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ कि ट्रांजैक्शन करने के बाद कितने पैसे कटते हैं। यस, कोड इंटर करते हैं, करंट, अदर अमाउंट 500, ओके करता हूँ, नो करते हैं। ये हमारा कार्ड आ चुका है, अमाउंट आ चुकी है। दोबारा कार्ड में इंटर करने लगा, इंसर्ट किया मैंने दोबारा कार्ड को, पिन इंटर करूँगा, डिफॉल्ट, बैलेंस इंक्वायरी, नो, 2118 रुपये थे, तो अब मेरे 1591 रुपये हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब हमारे पैसे बनने चाहिए थे। अगर आप डिडक्ट कर लें तो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा कितने पैसे हमारे कटे हैं, ट्रांजेक्शन की फ़ीस कितनी बनी है, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है। और एक बात बताता चलूँ कि इसके अलावा आप पैसे निकलवाने के अलावा नेशनल सेविंग के इस एटीएम कार्ड से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पैसे निकलवाने के लिए ये काम आता है। अच्छी कवश है, इससे आप लोग लाइनों में लगने से बच जाएंगे।